सकते हैं यहाँ पर जो है 100 फीट वगैरह बनाने के बारे में वो लोग सोच रहे। अब चापाकल मरम्मती का भी काम प्रारंभ हो गया। चलिए, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। और मैंने इससे पहले के ब्लॉग में आपको दिखाया था दुम्मा बॉर्डर से मिथिला सेवा समिति तक का जो है कांवरिया पथ कैसा है, और बालू बिछाने का जो है काम प्रारंभ नहीं हुआ था लेकिन बालू गिराने का काम प्रारंभ हो गया था। और आज जो है यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा गोड़ियारी नदी तक के जो है कांवरिया पथ की तरफ, और वहाँ जो है उधर जो है क्या कुछ काम चल रही है सावन मेले को लेकर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार ही हो रहा था, तब तक जो है मुझे आगे के तरफ दिख गए कुछ जो है चापाकल वगैरह देखने के लिए आए हुए हैं, जो चापाकल मरम्मती किया जाएगा या चापाकल में कुछ खराबी है क्या, वो सारा कुछ देखा जा रहा। चलिए वो आपको हम दिखाते हैं। आपको मैंने इससे पहले के ब्लॉग में दिखाया था कांवरिया पथ में बालू गिराने का काम प्रारंभ हो चुका है, साथ ही शौचालय और स्नानागार भी जो है मरम्मत होना प्रारंभ हो चुका है। और जहाँ जहाँ भी चापाकल है सभी चापाकलों का जो है जाँच किया जा रहा है कि इसमें क्या खराबी है, जो है वो बहुत ही जल्द ठीक किया जाएगा। जिसलिए जो है अभी इस चापाकल के पास भी जो है टीम आई हुई है जो कि अभी जांच करके आगे की तरफ निकल रही है। तो आपने देखा यही चापाकल जो है देख रहे थे सब कोई, जो कि ये मिथिला कांवरिया सेवा संस्थान के बाहर में जो चापाकल है, तो वो देख रहे थे, बता रहे थे यहाँ पर जो है 100 फीट वगैरह बनाने के बारे में वो लोग सोच रहे थे, जो कि अभी यहाँ से निकले और हमने दिखाया सब कोई जो है यहाँ पर बात कर रहे थे। इसलिए जो है उन लोगों का बात मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने आप लोग को बोल के दिखाया जो है अब चापाकल मरम्मती का भी काम प्रारंभ हो गया। चलिए अब हम जो है धीरे धीरे इधर बढ़ते हैं कांवरिया पथ में, और आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करना मत भूलिए, भाई को जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं कीजिएगा तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक नहीं पहुंचेगा। जैसे ही आप बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, वो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी क्या कुछ जो है सावन मेले की तैयारी चल रही है। तो चलिए अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको कांवरिया पथ में दिखाते हुए क्या कुछ जो है काम चल रहा है कांवरिया पथ में। तो चलिए अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको पूरा कांवरिया पथ दिखाएंगे। तो देख सकते हैं आप इधर भी जो है कांवरिया पथ में जो है बालू अब भी आपको नजर आ रहा होगा, और बिहार में तो मैंने आपको पहले ही बताया है जहाँ पर भी जो है होटल वगैरह है, जहाँ पर भी दुकान है, जहाँ पर भी धर्मशाला है, वहाँ पर ये बैठने का जो बेंच है वो अधिक संख्या में रखा हुआ है। देखिए आप यहाँ पर भी जो है एकदम नज़दीक में देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर भी आप एक जो है कांवरिया बम को यहाँ से जो है गुजरते हुए देख पा रहे होंगे। कांवरिया बम बाबा बैद्यनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर वो बाबा पर जलार्पण करेंगे। और जो है यहाँ से लगभग हमको लगता है 5 घंटे की जो है सफ़र के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर जाके बाबा का दर्शन पूजा करेंगे। और अभी हम आपको कांवरिया पथ दिखाते हुए जा रहे हैं आगे के तरफ। झारखंड का तो कांवरिया पथ मैंने दिखाया ही था, और अभी जो है 2-3 ब्लॉग से मैं आपको बिहार का कांवरिया पथ दिखा रहा हूँ। इधर जो है कुछ दुकानें अब भी जो है खुली हुई है, क्योंकि जो है 12 महीने यहाँ पर कांवरिया जो है चलते रहते हैं कांवरिया पथ में, जिस कारण से जो है कुछ दुकानें खुली हुई रहती है। वहाँ पर जो है कांवरिए बैठते हैं, चाय पीते हैं, शरबत पीते हैं, फिर जो है आगे कांवरिया पथ में बढ़ देते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कांवरिया पथ में आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ, तब तक जो है एक ऑटो वाले भैया जी वहाँ जो है स्लो कर दिए हैं अपने गाड़ी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बालू रहता है जिस कारण से उनको दिक्कत होता है। और ये देखिए ये चापाकल का भी जो है यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है, यही टीम निकली हुई है जो कि मेरे आगे अभी चल रही थी, और फिर जो है एक एक करके वो लोग सारे चापाकल को देख रहे हैं कहाँ पर जो है कौन से चापाकल में क्या कुछ मरम्मत करने का जो है ज़रूरत है, वो सारा कुछ नोट करके लेके जा रही है। और जितना जल्दी होगा पूरा जो है कांवरिया पथ का चापाकल मरम्मत कर दिया जाएगा। और इससे पहले के ब्लॉग में मैंने जब आपको शौचालय मरम्मत का दिखाया था, तो वही भैया जो है चापाकल वगैरह का भी काम लिए हैं, वो बता रहे थे कांवरिया पथ ही नहीं मेन सड़क जो भी है, मेन सड़क के किनारे भी जितना चापाकल है वो सारा भी जो है मरम्मत होने वाला है। तो चलिए वो तो काम आपने देख ही लिया, जो है काम प्रारंभ हो चुका है। और किधर जो है अभी कांवरिया पथ में काम चल रहा है वो चलिए आगे आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं सफर में आगे के तरफ, और आगे जो है गोड़ियारी नदी है, और ये बगल वाला चापाकल तो एकदम सही है, देख लिया आपने। और क्योंकि यहाँ पर जो है गांव है, घर है, जिस कारण से ये चापाकल सही है। जहाँ पर घर नहीं रहता तो चापाकल जो है बंद पड़ जाता है, जाम हो जाता है, जिस कारण से फिर से जो है उसका मरम्मती करना पड़ता है सावन से पहले। और इधर भी देख सकते हैं आप कांवर का स्टैंड आपको दिख रहा होगा, और जो है कुछ दुकानें बनना प्रारंभ भी हो गया है, आगे आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो चलिए धीरे धीरे इसी तरह से जो है आपको पूरा कांवरिया पथ दिखाते हुए आगे के तरफ बढ़ रहे हैं, और धूप भी जो है तेज हो चुकी है, लेकिन हमको कांवरिया पथ आपको पूरा दिखाना है एक एक ब्लॉग में, जिस कारण से हम लोग जो है धूप का भी परवाह नहीं करते हैं और कांवरिया पथ में चल देते हैं, ताकि आप लोगों को घर बैठे कांवरिया पथ का जानकारी मिल सके, सावन मेले की क्या तैयारी चल रही है वो आपको जानकारी मिल सके। तो इतना मेहनत करते हैं इसके लिए जो है एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करें, जो भी दोस्त आपका सावन मेला में बाबा धाम आते हैं कांवर लेके, उनको भी जानकारी मिल सके कि जो है कांवरिया पथ में अभी क्या कुछ हो रहा है और कैसा जो है कांवरिया पथ में तैयारी चल रहा है सावन मेला 2023 का। और इधर भी जो आप देख पा रहे होंगे पूरे में जो है चौकी वगैरह लगा हुआ, और यहाँ पर
जो है काम प्रारंभ हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी से जो है सड़क के किनारे का जो है मिट्टी वगैरह वो काटा गया और मिट्टी बराबर कर दिया गया। अब जो है कुछ ही दिनों में यहाँ पर बालू बिछने का काम प्रारंभ हो जाएगा और जब ही बालू बिछेगा उसके बाद मैं फिर से आप लोगों को दिखाऊंगा। जो बालू जो है बिछ चुका है उसके बाद जो है कांवरिया कुछ ही दिनों में जो है यहाँ पर कांवर यात्रा भी प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो है दो बार कांवर मेला होने वाला है। जो है आपका पहला जो है सावन पड़ेगा आपका 4 जुलाई से, तो वो जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 1 महीने का जो ब्रेक होगा उसमें भी हम लोग कांवरिया पर जा के आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैं फिर से बोलता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई का सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको अच्छा अच्छा वीडियो दिखा सकूँ आप ही लोगों के लिए। इतना धूप में जो है मैं चलते रहता हूँ और धूप में वीडियो बनाकर आप लोगों तक जो है पहुँचाता हूँ। इधर जो है आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह खोदा गया और यहाँ पर दो बड़े बड़े वृक्ष हैं जिनके छाँव में भी बहुत सारा ये बेंच रखा गया और सामने की तरफ भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बालू डंप किया हुआ है। यही बालू जो है पूरे कांवरिया पथ में डाला जाएगा जिसमें जो है आप लोगों को चलने में सहायता मिलेगी। और इस बालू में जो है कंकड़ नहीं रहता, पूरा महीन बालू रहता है जिसको हम लोग यहाँ के देसी की भाषा में हम लोग बोलते हैं गर्दा, जिसको फूंक देने से उड़ जाता है, बस उसी प्रकार का यह बालू रहता है जिससे आप लोगों को कांवरिया पथ में जो है चलने में सुविधा होती है। तो चलिए देखिए यहाँ तक मैं आपको पूरा दिखाते हुए आ रहा हूँ। यहाँ भी देख सकते हैं मिट्टी जो है काटने का काम चल रहा है। फिलहाल जो है गाड़ी को यहाँ पर साइड में करते हैं और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो कांवरिया पथ दिखाते दिखाते अभी मैं आ चुका हूँ पटनिया धर्मशाला के पास। मेरे सामने जो है उस तरफ है पटनिया धर्मशाला और पीछे के तरफ जो है बालू यहाँ पर भी गिराया गया है। क्या कुछ काम चल रहा है चलिए दिखाई देता हूँ। ये देखिए मैं उधर से ही आ रहा था अभी कांवरिया पथ दिखाते दिखाते, और इधर रह गया यहाँ पर जो है पटनिया धर्मशाला और इधर देख सकते हैं आप कांवरिया पथ में जो है मिट्टी वगैरह जो है बराबर करने का काम चल रहा है। और इधर जो है मैं आपको आगे ले जाकर दिखा रहा हूँ, देखिए इधर जो है बालू गिराने का जो है काम चल रहा है। इधर देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा जो है बालू डंप किया गया, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया एक्शन कैमरा से, लेकिन अब जो है मैं मोबाइल से आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर बालू गिराया गया और यही बालू जो है कांवरिया पथ में आगे बिछाया जाएगा। मैंने तो बाइक आगे ही खड़ा करके रखा हुआ है, देख सकते हैं। अब कांवरिया पथ में जब ऐसा बालू बिछ जाएगा तो हम लोग को बाइक लेके चलने में भी दिक्कत होता है, लेकिन आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो देने के लिए हम लोग जो है धूप में भी चलते हैं और इस प्रकार के रास्ते में भी चलते हैं ताकि आप लोगों को कांवरिया पथ पूरा दिखा सके। तो आपने देखा जो है कांवरिया पथ में जो है अब काम प्रारंभ हो चुका है, कांवरिया पथ बनने लगा है और मैंने आपको दिखा दिया। इधर बालू भी रखा हुआ है और आगे जो है चापाकल मरम्मती का भी काम चल रहा था। तो कांवरिया पथ का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप जब कांवर लेके आते हैं तो कांवरिया पथ का ये रास्ता आप लोगों को कैसा लगता है, और अगर कुछ कठिनाई होती है कुछ परेशानी होती है तो वो भी आप आगे बताइए हमको कॉमेंट करके। ताकि तो चलिए फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और बढ़ते हैं आगे कांवरिया पथ में, जिसका ब्लॉग आगे देखने को मिलेगा। साथ तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।